नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या एस्ट्रो में, और मैं हूँ आप सभी के बीच दिव्या। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से स्वप्न शास्त्र से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। देखिए, सपने हमें कई तरह के आते हैं और हर सपने का कुछ न कुछ मतलब, अर्थ या संकेत होता ही होता है। कुछ सपने हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कुछ सपने हमारे लिए बुरे होते हैं। कुछ सपनों का फल जो होता है वो शुभ होता है तो कुछ सपनों का फल अशुभ होता है। कई बार हमें सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं या वस्तु दिखाई देती है जिसका हम अर्थ नहीं समझ पाते कि आखिर वह चीज़ या वह वस्तु दिखाई देने का आखिर क्या अर्थ है। तो आज ऐसी ही एक नई जानकारी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, और वह नई जानकारी है कि यदि आपको सपने में पहाड़ दिखाई दे तो आखिर उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सपने में पहाड़ दिखाई देना इसका अर्थ नहीं बताऊंगी। सपने में पहाड़ आपको किस तरह से दिखाई दिया, क्या आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, क्या आप पहाड़ से उतर रहे हैं, क्या पहाड़ बहुत ऊँचे हैं, किस तरह के आपने पहाड़ देखे हैं, उसके बारे में मैं आपसे तीन चार अलग अलग टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपने सपने में पहाड़ देखे हैं तो यह संकेत आपके लिए कैसा है। पहाड़ जैसे नॉर्मली हाइट के होते हैं, अगर उस हाइट के पहाड़ देखे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपने, विशाल पहाड़ नहीं देखे हैं और नॉर्मल आपने पहाड़ देखे हैं, तो इसका अर्थ है कि यह संकेत आपके लिए शुभ है। सपने में पहाड़ देखने का अर्थ यह हुआ कि उस दौरान आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में आपको 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की भी ज़रूर होगी। तो इस सपना को देख करके आप बिल्कुल ना घबराएं और बिल्कुल यह सपना आपके लिए पॉजिटिव है। सपने में यदि आप ऊंचे पहाड़ देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है। सपने में ऊंचे पहाड़ देखना भी आपके लिए शुभ सपने होते हैं। इसका अर्थ है कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको निश्चित सफलता है बिना किसी रुकावट के। यदि कार्य में बाधाएं आ भी रही हैं तो भी आप उन बाधाओं से पार होके और आखिर अपनी अधिकतम सफलता तक पहुंच ही जाएंगे। अब बात करती हूँ कि सपने में पहाड़ पर चढ़ना। यदि आप सपने में देख रहे हैं कि आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को आप बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न करेंगे। अब बात करते हैं कि यदि आप सपने में अपने आप को पहाड़ से उतरते हुए देखते हैं तो यह सपना कैसा है। तो यह सपना आपके लिए एक अशुभ सपना है। सपने में अपने आप को पहाड़ से उतरते देखने का अर्थ है कि आप जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में आपको नुकसान हो सकता है, और नुकसान भी छोटा मोटा नहीं, आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि यदि आपने सपने में देखा है कि किसी पहाड़ से पानी गिर रहा है तो इसका क्या अर्थ है। सपने में पहाड़ से पानी गिरना भी आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और वो बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक रहेगा, आपको फ़ायदा देकर जाएगा। तो कुल मिलाकर सपने में पहाड़ देखना, अधिक ऊंचाई के देखना, चाहे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, चाहे सपने में पहाड़ से पानी गिर रहा है, ये सब सपने आपके लिए शुभ सपने हैं, सिवाय इसके कि आपने सपने में अपने आप को पहाड़ से उतरते देखा है। सपने में पहाड़ से उतरते देखना ही सिर्फ आपके लिए अशुभ संकेत है। तो यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस नई जानकारी को आपने प्राप्त किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में और भी दूसरी जानकारी पा सकते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।